गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, इससे पहले हमने ऑलरेडी एक इंडस्ट्री करंट के ऊपर वीडियो बनाई है जिसमें हम 440 वोल्ट को लेकर एक इंडस्ट्री के लिए कैलकुलेशन की थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम दोबारा से कैपेसिटर की इंडस्ट्री करंट वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन ये कैलकुलेशन होगी एक सबस्टेशन की जिसकी रेटेड वोल्टेज है 115 केवी वोल्टेज। आपने बिल्कुल सही सुना, जिस सबस्टेशन से बल्क क्वांटिटी में एनर्जी ट्रांसफर होती है, आज हम वहां पे यूज होने वाले कैपेसिटर की इंडस्ट्री करंट की कैलकुलेशन समझेंगे। दोस्तों, सिर्फ एक वीडियो, इस एक वीडियो में आपको सबस्टेशन पे यूज होने वाले कैपेसिटर की इंडस्ट्री करंट की कैलकुलेशन कैसे होती है उसकी पूरी कैलकुलेशन समझा दूंगा। दोस्तों, जब भी कोई कैपेसिटर बैंक इनिशियली किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होता है तो उस सर्किट से करंट फ्लो होता है जो कोशिश करता है कैपेसिटर की वोल्टेज को सोर्स वोल्टेज के इक्वल कर दे, और जब दोनों की वोल्टेज सेम हो जाती है कैपेसिटर की और सोर्स की, तब आप जितना मर्जी सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ कर लो, उसमें इंडस्ट्री करंट जनरेट नहीं होगा। अगर कैपेसिटर और सोर्स में वोल्टेज डिफरेंस होगा तो उस टाइम पे जो इंडस्ट्री करंट जनरेट होगा, हम उस जनरेटेड इंडस्ट्री करंट का मैग्नीट्यूड और फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चार्जिंग करंट का मैग्नीट्यूड और फ्रिक्वेंसी डिपेंड होता है आपके सर्किट के टोटल कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के ऊपर, और साथ में डिपेंड करता है जो वोल्टेज आपने कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई की है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर, मतलब कितनी हाई वोल्टेज आप अपने कैपेसिटर के लिए यूज कर रहे हो। तो जब हम इंडक्टर करंट की कैलकुलेशन करते हैं तो जो वोल्टेज कैपेसिटर को अप्लाई की जाती है उसका हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं और कैपेसिटर की वैल्यू को हम जीरो मानकर चलते हैं, और सर्किट में मौजूद रेजिस्टेंस इंडक्टर करंट की वजह से होने वाले ऑक्सीलेशन को कम करने में हेल्प करती है। लेकिन सर्किट की रेजिस्टेंस बहुत कम होने के कारण ये इंडक्टर करंट की वैल्यू को रोकने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होती, मतलब इसका असर ना के बराबर होता है। दोस्तों, जो फॉर्मूले मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वो सारे के सारे IEEE 1036/2010 से लिए गए हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कैपेसिटर को ऑन करते हैं उसमें ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू जो आती है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूले हमारी हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ एक बात और याद रखना, हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे ये सारी विदाउट डैम्पिंग रजिस्टर होगी, इसमें हम डैम्पिंग रजिस्टर नहीं यूज कर रहे। और सेकंड पॉइंट, हम इसमें जितनी भी इंडक्टर करंट की कैलकुलेशन करेंगे वो सारी 90% एक्यूरेट होगी, 100% एक्यूरेट नहीं होगी, मतलब हम इंडक्टर करंट की कैलकुलेशन जो करेंगे उससे हम सिर्फ एस्टीमेट ले सकते हैं, वो एक्यूरेट बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास 10 फॉर्मूले हैं, इनकी हेल्प से हम इंडक्टर करंट की कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हमें समझना चाहिए। सबसे पहले है आईमैक्स पीके, जिसका मतलब है पीक इंडक्टर करंट विदाउट डैम्पिंग इन एम्पीयर, मतलब इंडक्टर करंट की सबसे ज्यादा वैल्यू लेकिन इसमें डैम्पिंग यूज नहीं की, और इसकी वैल्यू हम एम्पीयर में लेते हैं। नेक्स्ट है VLL, मतलब मैक्सिमम लाइन टू लाइन RMS वोल्टेज, जिसकी वैल्यू हम किलो वोल्ट्स में लेते हैं। नेक्स्ट है MVASC, जिसका मतलब है शॉर्ट सर्किट मेगावोल्ट एम्पीयर एट द लोकेशन ऑफ कैपेसिटर बैंक, मतलब शॉर्ट सर्किट के कारण जो कैपेसिटर बैंक के पास एम्पीयर की वैल्यू आएगी उसको हम MVA में ले रहे हैं। नेक्स्ट है MVRC, जिसको हम बोल सकते हैं कैपेसिटर बैंक मेगावोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव रेटिंग। दोस्तों, फैक्ट्रीज में कैपेसिटर बैंक की रेटिंग लेते हैं वो हम KVAR में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर बड़े हैं इसलिए हमने इसकी वैल्यू MVAR में ली है। नेक्स्ट है C, जिसका मतलब होता है कैपेसिटर बैंक कैपेसिटेंस, और इसकी वैल्यू होती है फेरेड्स में। नेक्स्ट है LSC, सिस्टम शॉर्ट सर्किट इंडक्टेंस इन हेनरीज। नेक्स्ट है FT, जिसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांजिएंट इन किलोहर्ट्ज, मतलब जो ट्रांजिएंट करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसको हम किलोहर्ट्ज में लिखेंगे। नेक्स्ट है FS, जिसको हम बोल सकते हैं सिस्टम फ्रीक्वेंसी, मतलब जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे हम वो लिखेंगे, और उसकी वैल्यू भी हमेशा हर्ट्ज में होगी। दोस्तों, नेक्स्ट है ISC, अवेलेबल शॉर्ट सर्किट करंट एट द लोकेशन ऑफ द कैपेसिटर, इसकी वैल्यू भी हम एम्पीयर में लेंगे। उसके आगे है I1, I2, IC, करंट ऑफ द कैपेसिटर बीइंग स्विच्ड इन एम्पीयर, दोस्तों ये कैपेसिटर का वो करंट है जो कंटिन्यू चलता रहता है। CEQ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर बैंक इन सीरीज, और इसकी वैल्यू भी हमेशा हम फेरेड्स में लेते हैं। लास्ट वन है LEQ, टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पर फेज बिटवीन कैपेसिटर बैंक, इसकी वैल्यू भी हम हेनरी में लेते हैं, और ये होता है जो कैपेसिटर
को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करता है, इन बिटवीन जो इंडक्टर्स होगी यहाँ पे हम उसको डिनोट करेंगे। तो अभी तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि इंडक्टर करंट की कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें यूज होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या मतलब होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था, जब भी सिंगल स्टेज कैपेसिटर ऑन होता है तो उसमें इंडक्टर करंट की वैल्यू 10-40 टाइम्स जा सकती है, और जब कैपेसिटर बैंक पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उसमें एडिशनल इंडक्टर करंट फ्लो होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी एनर्जाइज्ड कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर बैंक को चार्ज करने के लिए डिस्चार्ज होता है, उस टाइम पे इंडक्टर करंट कैपेसिटर बैंक के बीच में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है उस पर डिपेंड होता है, और साथ में उस मैक्सिमम वोल्टेज पे डिपेंड होता है जो स्विच क्लोजिंग के टाइम पे मिलती है। और ये एक्सपीरियंस किया गया है कि मल्टी स्टेप के केस में इंडक्टर करंट कैपेसिटर के रेटेड करंट से 100-250 टाइम्स हायर हो सकता है, जैसे कि हमने अपनी पहले वाली वीडियो में भी स्टडी किया था। और ये इतना हाई करंट वन साइकिल से भी कम टाइम में आपके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को खराब कर देगा। तो चलिए दोस्तों अब टाइम आ गया है, जो भी थ्योरी अभी तक हमने कैपेसिटर इंडक्टर करंट के बारे में स्टडी की है उसको एग्जांपल के थ्रू कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक 115 केवी सबस्टेशन पे 12000 केवीआर के तीन कैपेसिटर बैंक लगे हैं जिनकी इनपुट वोल्टेज रेटिंग है 115 केवी, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। इसमें दो सर्किट ब्रेकर यूज किए गए हैं, CB1 एंड CB2, जिसकी रेटेड मैक्सिमम वोल्टेज है 123 केवी, रेटेड कंटिन्यू करंट 1200 एम्पीयर आरएमएस, रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट 31.5 के एयर आरएमएस। बैक टू बैक कैपेसिटी स्विचिंग की बात करें तो उसमें रेटेड इंडक्टर करंट 16 के ए, रेटेड फ्रीक्वेंसी 4.3 किलो हर्ट्ज़। दोस्तों ये सारी स्पेसिफिकेशन जो आपको मैंने बताई है ये सर्किट ब्रेकर की है। बैक टू बैक कैपेसिटी स्विचिंग का यहाँ पे मतलब है कि जब भी कैपेसिटर से इंडक्टर करंट जनरेट होगा तो हमारा सर्किट ब्रेकर 4.3 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम 16 के एम्पीयर के लिए डिजाइन किया गया है। इससे ज्यादा आने पे सर्किट ब्रेकर डैमेज हो सकता है और या फिर उसकी लाइफ को कम कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दूसरी डायग्राम है जिसमें आप कैपेसिटर बैंक में सेपरेशन देख सकते हो, जिसमें तीन सिनेरियो बनते हैं। फर्स्ट है जब कैपेसिटर बैंक वन एनर्जाइज होगा तो उस टाइम पे हो सकता है कैपेसिटर बैंक टू और थ्री डी एनर्जाइज हो, मतलब इन दोनों कैपेसिटर बैंक में कोई एनर्जी नहीं होगी। सेकेंड है कैपेसिटर बैंक वन जब एनर्जाइज होना शुरू करेगा तो हो सकता है उस टाइम पे कैपेसिटर बैंक टू पहले से एनर्जाइज हो, अगर कैपेसिटर बैंक टू नहीं तो थर्ड कैपेसिटर बैंक एनर्जाइज हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक ऑलरेडी एनर्जाइज होगा। थर्ड सिनेरियो है, हो सकता है कि कैपेसिटर बैंक वन जब एनर्जाइज होना शुरू करे तो सेम टाइम पे कैपेसिटर बैंक टू और थ्री दोनों ऑलरेडी एनर्जाइज हो, मतलब अगर फर्स्ट सिनेरियो की बात करें तो कैपेसिटर चार्ज होने के लिए सिर्फ सोर्स से एनर्जाइज होगा, मतलब सोर्स पे डिपेंड होगा। और सेकंड सिनेरियो में कैपेसिटर बैंक चार्ज होने के लिए ग्रिड सोर्स और कैपेसिटर यूनिट टू को भी यूज करेगा, और थर्ड सिनेरियो में कैपेसिटर बैंक वन चार्ज होने के लिए सोर्स के साथ साथ कैपेसिटर बैंक टू और कैपेसिटर बैंक थ्री को भी यूज करेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इन दोनों डायग्राम को समझ लो बहुत जरूरी है। ये जो पहली डायग्राम आप देख रहे हो इसमें कुछ पैरामीटर समझाने की कोशिश की गई है, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो सिंबल आप देख रहे हो यहाँ पे सीबी लिखा हुआ है जिसका मतलब है सर्किट ब्रेकर। CB1 और CB2 मीन्स यहाँ पे दो सर्किट ब्रेकर यूज किए गए हैं, और यहाँ पे आपको कैपेसिटर का सिंबल नजर आ रहा होगा और साथ में लिखा है C1 एंड C2, इसका मतलब है सर्किट में टू नंबर ऑफ कैपेसिटर बैंक यूज किए गए हैं। सर्किट ब्रेकर और कैपेसिटर यूनिट के बीच में आपको इंडक्टेंस नजर आ रही होगी जिसको हम डिनोट करेंगे L1 एंड L2, और यहाँ आप देख सकते हो LC1 एंड LC2 ये वो इंडक्टेंस है जो कैपेसिटर बैंक के अंदर होती है। अगर तो आपके कैपेसिटर बैंक की वोल्टेज रेटिंग 52 केवी से ज्यादा है तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 10 माइक्रो हेनरी होती है, और अगर कैपेसिटर बैंक की वोल्टेज रेटिंग 52 केवी से कम होती है तो इसकी इंडक्टेंस वैल्यू 5 माइक्रो हेनरी से कम होती है, जिसके बारे में आप IEEE C37012/2014 में स्टडी कर सकते हो। दोस्तों ये दूसरी डायग्राम है जो पहली डायग्राम का ही सेपरेशन है, इसमें हम थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं और सर्किट में आप देख सकते हो जिसमें हमारे पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग 12000 केवीआर के तीन कैपेसिटर बैंक है। कैपेसिटर बैंक वन से सर्किट ब्रेकर का डिस्टेंस 35 फीट है,
जिसकी इंडक्टेंस की वैल्यू को हम L1 से डिनोट करेंगे। कैपेसिटर बैंक 2 और 3 से सर्कल ब्रेकर की दूरी 60 फीट है, जिसकी इंडक्टेंस को हम नाम देंगे L2 और L3। और सर्कल ब्रेकर से सोर्स तक जो बस बार यूज की गई है उसकी लेंथ है 144 फीट, जिसकी इंडक्टेंस को हम L बस से डिनोट करेंगे। अगर कभी आपने इन तीन सिनेरियो के अकॉर्डिंग इंडस करंट की कैलकुलेशन करनी हो तो दोस्तों प्रैक्टिकली भी हमें ये सारे पैरामीटर ध्यान में रखने होंगे। तो चलिए दोस्तों बैक टू बैक स्विचिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में इंडस करंट की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम कैपेसिटर बैंक नॉमिनल करंट की वैल्यू निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है KVR डिवाइडेड बाय √3 इंटू लाइन टू लाइन वोल्टेज। KVR की वैल्यू में पता है 12,000, √3 की वैल्यू में पता है 1.732 और लाइन टू लाइन वोल्टेज 115 kV। और इन सभी की वैल्यू पुट करने पे जो हमें आंसर मिलता है वो मिलता है 60 एम्पीयर। तो ऐसा तो नहीं होता जो आपकी इनपुट वोल्टेज आ रही वो हमेशा 115 kV ही होगी, वो प्लस भी हो सकती है, तो उसके लिए हम +7% ऐड कर लेंगे। कैपेसिटर की टोलरेंस वैल्यू को भी हम 10% ऐड कर लेंगे, जिसके लिए हम कैपेसिटर की रेटेड करंट की वैल्यू में इसकी वैल्यू भी ऐड कर देंगे, जिसको आप लिख सकते हो 60 × 1.07 × 1.10 और इसकी टोटल वैल्यू मिलती है 71 एम्पीयर। मतलब हम आगे जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वहां पर कैपेसिटर रेटेड करंट की वैल्यू 60 एम्पीयर नहीं लेंगे बल्कि 71 एम्पीयर लेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं सिनेरियो 1 में इंडस करंट की वैल्यू क्या होगी, क्या कंडीशन है सिनेरियो 1 में। तो दोस्तों सिनेरियो 1 में सिर्फ कैपेसिटर बैंक 1 ही ऑन होगा, बाकी के दोनों कैपेसिटर बैंक डी एनर्जाइज रहेंगे। उसके लिए सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला तो हमारे पास बहुत है, लेकिन जो पैरामीटर हमारे पास है और जो जिस फॉर्मूले में फिट हो जाएंगे हम वही फॉर्मूला चूज करेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला है IMAX PK = √2 × √ सिस्टम शॉर्ट सर्किट करंट × कैपेसिटर करंट। दोस्तों √2 की वैल्यू हमें पता है 1.4142, सिस्टम शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू हमें पता है 18,800, क्योंकि ये हमने अपनी इक्वेशन में पहले ही मेंशन किया है हमारा सिस्टम शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू क्या होगी। और कैपेसिटर की करंट की वैल्यू हमने निकाली थी 71 एम्पीयर। इन सभी की वैल्यू पुट करने पे और इसको सोल्व करने पे जो हमें आंसर मिलता है वो मिलता है 1634 एम्पीयर। और जो कैपेसिटर बैंक 1 एनर्जाइज होगा सेम टाइम पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसकी वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन है ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी = सिस्टम फ्रीक्वेंसी × √सिस्टम शॉर्ट सर्किट करंट / कैपेसिटर करंट। तो दोस्तों सिस्टम फ्रीक्वेंसी में पता है 50, सिस्टम शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू में पड़ता है 18,800 और कैपेसिटर के एम्पीयर की वैल्यू में पड़ता है 71 एम्पीयर। इनको सोल्व करने पे जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है 813.61 हर्ट्ज। तो दोस्तों सिनेरियो 1 के अकॉर्डिंग कैपेसिटर के एनर्जाइज होने पे जो इंडस करंट जाएगा उसकी वैल्यू होगी 1634 एम्पीयर और फ्रिक्वेंसी होगी 813.61 हर्ट्ज। और हमारे सर्कल ब्रेकर की इंडस करंट की मैक्सिमम वैल्यू 16 kA है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की लिमिट 4.3 kHz है, लेकिन हमारे कैपेसिटर बैंक 1 की वैल्यू सर्कल ब्रेकर की रेटिंग से बहुत कम है, मतलब हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब देखते हैं सिनेरियो 2 में क्या होता है, क्या ये इंडस करंट और फ्रीक्वेंसी यही रहेगी जो हमें सिनेरियो 1 में देखने को मिली या फिर इससे ज्यादा या फिर कम होगी। तो उसके लिए 7th फॉर्मूला यूज करेंगे। IMAX PK = 13,555 × √ लाइन टू लाइन वोल्टेज × कैपेसिटर करंट 1 × कैपेसिटर करंट 2 / सिस्टम फ्रीक्वेंसी × इक्विवेलेंट इंडक्टेंस × कैपेसिटर करंट 1 + कैपेसिटर करंट 2। अब इस इक्वेशन में हमारे पास सभी कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू अवेलेबल है सिवाय एक के, वो है LEQ, मतलब टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पर फेज बिटवीन कैपेसिटर बैंक्स, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मतलब कैपेसिटर बैंक की इंटरनल इंडक्टेंस पर फेज और साथ में बस बार की इंडक्टेंस जिससे सर्कल ब्रेकर कनेक्टेड है। अब अगर हमें बस बार या फिर केबल की इंडक्टेंस निकालनी है तो हमें इस चार्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें हम देख सकते हैं 123 kV रेटेड मैक्सिमम वोल्टेज के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू पर फेज ऑफ बस बार 0.856 μH है। तो हम यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे जिसमें L1 डेरिवेटिव, L2 डेरिवेटिव, L3 डेरिवेटिव एंड L बस के सामने इंडक्टेंस माइक्रो हेनरी पर मीटर की वैल्यू 0.856 मेंशन करेंगे। अब हम डायग्राम में देख सकते हैं केबल की लेंथ L1 के लिए 35 फीट, L2 के लिए 35 + 25
टोटल हुआ 60 फीट। एल थ्री के लिए भी सेम 35+25 60 फीट है और एल बस के लिए 144 फीट की लेंथ है। एल वन की वैल्यू बन जाएगी 10.7 मीटर, एल टू की वैल्यू बन जाएगी 18.3 मीटर, एल थ्री की वैल्यू हमें मिल जाएगी 18.3 मीटर और एल बस की वैल्यू हमें मिल जाएगी 43.9 मीटर। अब ये जो इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.856, इसको हम इसके सामने जो मीटर की वैल्यू है से मल्टीप्लाई कर देंगे तो L1 की वैल्यू बनती है 9.1 माइक्रो हेनरी पर मीटर, L2 की वैल्यू बनती है 15.7 माइक्रो हेनरी पर मीटर, L3 की वैल्यू भी सेम होगी 15.7 माइक्रो हेनरी पर मीटर और L बस की वैल्यू मिलती है 37.6 माइक्रो हेनरी पर मीटर। दोस्तों ये जो भी वैल्यू हमें अभी तक मिली है वो सिर्फ बस बार या फिर केवल की इंडक्टेंस वैल्यू मिली है, कैपेसिटर बैंक की नहीं। तो हमने पीछे पढ़ा था एज पर IEEE 52 केवी रेटिंग से ऊपर कैपेसिटर की इंडक्टेंस 10 माइक्रो हेनरी होगी। तो हम यहाँ पे L1, L2 एंड L3 के सामने कैपेसिटर बैंक इंडक्टेंस की वैल्यू भी पुट कर देंगे 10 माइक्रो हेनरी। एल बस में इसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में सिर्फ तीन कैपेसिटर बैंक है जो L1, L2 और L3 पे कनेक्टेड है, बस बार के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अब टोटल इंडक्टेंस निकालने के लिए हम इंडक्टेंस माइक्रो हेनरी वाली इस वैल्यू को बैंक इंडक्टेंस में ऐड कर देंगे तो हमें टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू मिलती है L1 डेरिवेटिव इक्वल टू 19.1, L2 डेरिवेटिव इक्वल टू 25.7, L3 डेरिवेटिव इक्वल टू 25.7 और L बस इक्वल टू 37.6 माइक्रो हेनरी। अब हम फिर वापस आते हैं अपनी इक्वेशन पे जहां पे हमने टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू पता करनी थी सिनेरियो टू के लिए। सिनेरियो टू के अकॉर्डिंग इस सर्किट में इंडक्टेंस वन एक्टिव है, इंडक्टेंस टू एक्टिव होने वाली है और एल बस तो एक्टिव ही रहेगी सिनेरियो टू और थ्री के केस में। तो एल ई की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इक्वल टू एल वन डेरिवेटिव प्लस एल टू डेरिवेटिव प्लस एल बस। L1 डेरिवेटिव की वैल्यू में मालूम है 19.1 माइक्रो हेनरी, L2 डेरिवेटिव की वैल्यू में मालूम है 25.7 माइक्रो हेनरी और L बस की वैल्यू में मालूम है 37.6 माइक्रो हेनरी। इन सभी को ऐड करके जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 82.4 माइक्रो हेनरी। तो दोस्तों अभी हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पर फेज बिटवीन कैपेसिटर बैंक्स की वैल्यू भी आ गई है और बाकी की वैल्यू हमारे पास पहले ऑलरेडी थी। तो इन सभी वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसको सोल्व करने पे जो हमें आंसर मिलता है वो है 13949 एम्पीयर, मतलब सिनेरियो 2 में इंडस प्लांट 13949 एम्पीयर जा सकता है। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इक्वेशन है 1/√2 इंटू पाई इंटू √1000 इंटू सिस्टम फ्रीक्वेंसी इंटू लाइन टू लाइन वोल्टेज इंटू I1+I2 डिवाइडेड बाय √3 टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इंटू I1 इंटू I2। दोस्तों सभी की वैल्यू पुट करने पे जो आंसर में मिलता है वो मिलता है 13.90 किलो हर्ट्ज। अब यहाँ पे सिनेरियो सेकंड में आप देख सकते हो इंडस करंट की वैल्यू 13949 सर्को ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी 16000 से बहुत कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सर्को ब्रेकर की लिमिट से कहीं ज्यादा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ इंडक्टेंस ऐड करनी पड़ेगी, मतलब एक रिएक्टर ऐड करना पड़ेगा। अब कितना मिली हेनरी का रिएक्टर ऐड करना पड़ेगा उसकी कैलकुलेशन हम किसी और वीडियो में समझेंगे। अब बात करते हैं थर्ड सिनेरियो की जिसमें कैपेसिटर बैंक 1 एनर्जाइज होगा लेकिन कैपेसिटर बैंक 2 और 3 ऑलरेडी एनर्जाइज होंगे, मतलब कैपेसिटर बैंक 2 और 3 पहले से एनर्जाइज हैं। तो इस केस में I1 = 71 एम्पीयर, I2 = 71 × 2 मीन्स 142 एम्पीयर और टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पर फेज की वैल्यू होगी L1+L bus + L2/2। L1 की वैल्यू में पता 19.1, L bus की वैल्यू में पता 37.6, L2 की वैल्यू 25.7 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और इनको प्लस करने पे जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है 69.5 माइक्रो हेनरी। तो इंडस करंट की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन है 13555 इंटू √LV इंटू I1 × I2 डिवाइड बाय सिस्टम फ्रीक्वेंसी इंटू इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पर फेस इंटू I1+I2 और इन सभी की वैल्यू पुट करने पे इक्वेशन को सोल्व करने पे जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 17542 एम्पीयर। और ट्रांसिट इंडस्ट्रेंट की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन है 1/√2 इंटू पाई इंटू
1000 इंटू सिस्टम फ्रीक्वेंसी इंटू लाइन टू लाइन वोल्टेज इंटू आई वन प्लस आई टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट थ्री इंटू इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पर फेज इंटू आई वन इंटू आई टू। दोस्तों सभी की वैल्यू पुट करने पे जो हमें आंसर मिलता है वो मिलता है 13.10 किलो हर्ट्ज। अब थर्ड सिनेरियो में कैपेसिटर बैंक का इंडक्टेंस 17,542 हमारे सर्किट ब्रेकर की कैपेसिटी सिस्टम के ए से ज्यादा है और वहीं पे ट्रांजिएंट इंडक्टेंस की वैल्यू 13.10 किलो हर्ट्ज सर्किट ब्रेकर की रेटेड फ्रीक्वेंसी 4.3 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है। तो इस केस में भी हमें रिएक्टर यूज करना पड़ेगा ताकि हम दोनों को लिमिट करके सर्किट ब्रेकर की कैपेबिलिटी के अंदर लेकर आ सके। दोस्तों जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अगर तो सिंगल कैपेसिटर एनर्जाइज होता है तो उसमें इंडक्टर करंट की वैल्यू बहुत कम होगी और अगर मल्टीपल कैपेसिटर बैंक यूज होंगे हमारे सर्किट में तो उसके लिए हमारा इंडक्टर करंट की वैल्यू बहुत हाई होगी। सेम चीज आपको सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 और सिनेरियो 3 में भी देखने को मिल गई होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से सबस्टेशन के ऊपर हाई वोल्टेज के अगेंस्ट कैपेसिटर की इंडक्टर करंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है के बारे में बिल्कुल जानकारी मिल गई होगी। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।